ओम महादेवाय नमः। दोस्तों, हम सब के लाइफ में कभी कोई दिन ऐसा भी आता है जब हम पिछले दिन के बारे में सोच के दुखी होते हैं। कारण बहुत ही बड़ा नहीं होता, पर मन ही तो है, अब क्या कर सकते हैं। और हमारे साथ जब भी ऐसा कुछ होता है तब कुछ दोस्त ही होते हैं जो कि ऐसे समय में सहारा बनते हैं और हमारे चेहरे के मुस्कुराहट को वापस लाते हैं। दोस्तों, आज अनिमेश और मैं जा रहे हैं शहर के शोर शराबों से दूर एकांत जगह के तलाश में, जहाँ कुछ पल हम सुकून से बिता सके, शांति से बिता सके। पुराने दिनों के बारे में बातें करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि पता नहीं कैसे मूड खुद ब खुद ठीक होने लगा। अरे, यही तो खासियत होती है दोस्ती की। हमने देखा कुछ किसान भाई हल चला रहे थे, तो हम भी वहाँ रुक गए और उनसे कुछ बातें की। इन मेहनती किसान भाइयों को अलविदा कह के हम आगे की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, अब जब मूड ठीक हो ही गया था तो इस पल का मजा हम जी भर के लेने लगे। खेत के बीचों बीच कुछ दूरी पे छोटा सा पेड़ दिखा, तो हम दोनों छोटे छोटे रास्तों से होते हुए उस पेड़ के पास तक गए और कुछ फोटो क्लिक की। खुनाली देखा लड़ा। दोस्तों, 2-3 घंटे तक खेत के बीच समय गुजारने के बाद अब वक्त हो चला था खुशी खुशी घर वापस आने का, क्योंकि इस सावन के पावन महीने में भक्तों को शीतल जल वितरण करने का कार्य करना था मुझे आज शाम को ही। फिर घर वापस आके फिर से निकलता हूँ जाने के लिए वशिष्ठ मंदिर के बगल में, जहाँ पे हमारे भाई बंधु खिचड़ी के प्रसाद बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस सावन के पावन महीने में हम सब भोले बाबा के भक्त मिलकर महादेव के भक्तों को शीतल जल तथा खिचड़ी के भोग वितरण करने का कार्य करने जा रहे हैं। और फिर शाम के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेलतोला चारा ले आ गए और सारे बंदोबस्त की तैयारी शुरू कर दी। तो हमने यहाँ पे सारा जुगाड़ कर दिया है। अभी 50 किलो चीनी और बोल रहे मुकेश जी की 10,000 पीस ग्लास है और खिचड़ी बन रहा है वहाँ पे, थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ पे सारा सामान निकाल लिया, अब हम जा रहे हैं वहाँ तक जहाँ पे खिचड़ी बन रहा है। फिर शाम को 6:30 बजे यहाँ पे पानी पिलाने का कार्यक्रम शुरू होगा, तो हम वापस से यहाँ आएंगे। खिचड़ी का भोग बन रहे जगह पर पहुँचने के बाद हम 6:30 बजे बेलतला चाराली पर वापस आते हैं। उसके बाद मैं लग जाता हूँ टेंट हाउस से लाए हुए सारे बर्तनों को साफ करने में। फिर हम सब मिलके जुट गए भोले बाबा के भक्तों के लिए शरबत बनाने की तैयारी में। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यह महान कार्य करने के लिए मैं बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन हम सब मिलके महादेव के भक्तों की सेवा करने के लिए बस एक छोटा सा प्रयास ही कर रहे हैं और बहुत ही सच्चे मन से कर रहे हैं। फिर वहाँ पे ललन जी आते हैं और लाइट लगाने की व्यवस्था करते हैं, और तब तक शरबत में मिलाने के लिए बर्फ का गोला भी आ जाता है। उसके पश्चात मुकेश जी धूप धुना करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे भक्तों का आगमन भी शुरू हो जाता है। आज रात को खिचड़ी वितरण करने का समय भी हो जाता है। दोस्तों, आखिर में हम प्रार्थना करते हैं कि महादेव शंभु करुणा के सागर हमारे इस प्रयास को स्वीकार करें और हमें अपने आशीर्वाद से शक्ति प्रदान करें, ताकि हम भविष्य में भी ऐसे कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। ओम गणेशाय नमः।